हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डायरेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। स्टूडेंट्स, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन सच अ मैनर दैट वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड अदर टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मतलब अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो एक एंड साउथ और दूसरा एंड नॉर्थ डायरेक्शन में आके रेस्ट में आता है। तो ये शो करता है कि कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन है और कौन सा साउथ डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज नोन एज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। यू कैन ऑल्सो से डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज directive property. Now next, second, the north seeking pole is called north pole and the south seeking pole is called south pole. Poles occurs in pair. Every magnet has pole. हर एक magnet में दो pole होंगे, एक north pole होगा, दूसरा south pole होगा। जो pole फ्रीली सस्पेंड करने पे नॉर्थ की तरफ होता है उसको नॉर्थ पोल कहेंगे, जो पोल फ्रीली सस्पेंड करने पर साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है उसको साउथ पोल कहेंगे। तो इसका मतलब है कि एक तो ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करता है, और दूसरा ये कि मैग्नेट्स में दो पोल होते हैं। ओके, वन नॉर्थ पोल एंड अनदर इज साउथ पोल। नाउ नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम एट द पोल्स। अगर हम बात करें एक मैग्नेट में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट होगा वो पोल्स पे मैक्सिमम होगा। ओके, एज कंपेरिजन टू मिडिल ऑफ मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के अगर हम बात करें, एक पोल नॉर्थ है दूसरा साउथ है, तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ, मतलब पोल्स पे होंगे, इंड्स पे होंगे। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, लाइक पोल रिपेल अपोजिट और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, जो भी अगर हम बात करें, एक मैग्नेट है जिसमें एक पोल एन हो गया, दूसरा एस हो गया, दूसरा एक मैग्नेट और उसके पास मिलाते हैं जिसमें एन है और एस है, अगर हम इन दोनों मैग्नेट की बात करें तो साउथ के बाद जस्ट नॉर्थ पोल है, ये दोनों क्या होगा, ये अनलाइक पोल होगा, क्योंकि दोनों एक जैसा नहीं है, एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ है। तो ऐसे केस में जब अनलाइक होगा तो उसमें अट्रैक्शन होगा। ओके, जब पोल अनलाइक होगा तो उसमें अट्रैक्शन होगा। ओके, लेकिन अगर हम एक मैग्नेट और लें, दो और मैग्नेट लें जिसमें नॉर्थ और साउथ हो, ओके, फिर यहाँ भी साउथ हो और नॉर्थ हो। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, एक इंड साउथ है, दूसरा भी क्या साउथ है, ये लाइक हो गया, लाइक पोल्स, लाइक पोल्स मतलब सेम पोल्स, दो ऐसे मैग्नेट पास पास मिलाते हैं जहाँ पे दोनों का जो इंड्स है, दोनों का जो पोल्स है वो सेम है, सेम है मतलब लाइक पोल है, लाइक पोल है तो उनमें रिपल्सन होगा। ओके, लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, तो उनमें रिपल्सन होगा, तो ये लाइक पोल का एग्जाम्पल हो गया, इनमें क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा। ओके, बट दिस इज केस ऑफ अनलाइक पोल, एक साउथ है तो दूसरा क्या है, एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ है, ये अनलाइक पोल हो गया। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा, जब भी नॉर्थ नॉर्थ एक पास होगा तो उनमें रिपल्सन होगा, क्योंकि वो सेम पोल है, लाइक पोल है। इसी तरीके से साउथ साउथ भी होगा तो भी रिपल्सन होगा। अगर हम बात करें, अगर हम दो मैग्नेट लेते हैं, ओके, अगर यहाँ नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ है, ओके, तो इनमें क्या होगा, इनमें एक केस और हो सकता है कि साउथ साउथ हो, या एक नॉर्थ हो दूसरा साउथ हो, या साउथ पोल हो और ये नॉर्थ पोल हो। अगर नॉर्थ नॉर्थ, ये लाइक पोल हो गया तो इनमें क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा। ओके, ये भी लाइक है तो इनमें भी रिपल्सन होगा। ओके,
ये क्या, ये अनलाइक है, नॉर्थ है, साउथ है, अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा। इसी तरीके से ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो इनमें भी अट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक पोल ऑकर्स इन पेयर्स। अगर हम बात करें एक मैग्नेट का, ओके, इसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, अगर हम इसको बीच से ब्रेक करते हैं, ओके, तो हो सकता है तो हमारे पास दो अलग अलग मैग्नेट मिलेंगे, नॉर्थ वाला इधर हो गया, साउथ वाला इधर हो गया। अब जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे, इसमें फिर से क्या होगा, यहाँ पे एक साउथ पोल आ जाएगा और यहाँ पे एक नॉर्थ पोल आ जाएगा। तो हम अगर एक मैग्नेट को ब्रेक करते हैं या कट करते हैं, तो वो दो नए मैग्नेट्स बनेंगे, ओके, और दोनों में क्या होगा, एक एक नॉर्थ, एक एक साउथ होगा। तो इस तरीके से हम मैग्नेट को जितने पार्ट्स करते चले जाएंगे, नंबर ऑफ मैग्नेट्स उतना इंक्रीज होता चला जाएगा, उतने नए मैग्नेट्स बनते चले जाएंगे। तो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल ऑकर्स इन पेयर, मतलब हर एक मैग्नेट में दोनों पोल होगा, नॉर्थ भी होगा, साउथ भी होगा। हम उसको ब्रेक करके, कट करके हम अलग अलग नहीं कर सकते, ओके, नो मोनोपोल एग्जिस्ट, सिंगल मोनोपोल, सिंगल पोल जो है वो किसी एक मैग्नेट में एग्जिस्ट नहीं होगा, जब भी होगा दोनों साथ में होगा, पेयर में होगा। नेक्स्ट, रिपल्सन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्सन अगर हम बात करें कि दो मैग्नेट एक पास लाते हैं, अगर एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ है, उसके पास एक दूसरा मैग्नेट लाते हैं, अगर इसमें साउथ है और दूसरा नॉर्थ है, तो ये रिपल्सन होगा, जब भी रिपल्सन होगा, या फिर अगर हम एक साउथ नॉर्थ, दूसरा नॉर्थ साउथ हो, तो इनमें भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि ये अनलाइक पोल है, सॉरी लाइक पोल्स हैं, इनमें रिपल्सन होगा। तो जब भी हम एक मैग्नेट के बारे में पता है कि ये नॉर्थ पोल है, अगर उसके पास दूसरा मैग्नेट लाते हैं जिसका हमको पता नहीं है कि ये साउथ है नॉर्थ है, अगर वो सेम होगा तो उनमें रिपल्सन होगा। तो कह सकते हैं कि रिपल्सन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट। जब अगर रिपल्सन हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेट है और ये वो अपोजिट पोल्स रहा होगा, ओके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी मैग्नेट में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब मैग्नेट जो होगा वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज फर्स्ट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्शन प्रॉपर्टी। मैग्नेट्स क्या होगा, वो फ्रीली सस्पेंड करने पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड होगा, रेस्ट में आएगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये डायरेक्शन शो करता है, इसलिए ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ जो होगा वो मैग्नेट का, वो क्या होगा, पोल्स में मैक्सिमम होगा, चाहे वो नॉर्थ हो या भी साउथ हो। इसी तरीके से जिस सेम लाइक पोल होंगे तो उनमें रिपल्सन होगा, और अगर अनलाइक पोल होंगे तो उनमें अट्रैक्शन होगा, ओके। नेक्स्ट, मैग्नेटिक पोल ऑकर्स इन पेयर, उनको आप अलग नहीं कर सकते, एंड रिपल्सन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेट को, जिनको आप याद रखोगे, ओके, थैंक यू।